हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे एक वीडियो पर एक कमेंट आया कि हाउ टू ऑपरेट द स्विंग मशीन इलेक्ट्रिक फुट पेडल, हाउ इट्स यूज्ड टू स्विंग। इनका डाउट है कि स्विंग मशीन के इलेक्ट्रिक फुट पेडल को स्टिचिंग के लिए कैसे ऑपरेट करें। फ्रेंड्स, टेलरिंग में बिगिनर्स को मशीन ऑपरेट करना भी आना चाहिए, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ डाउट रहे तो कॉमेंट करें। फ्रेंड्स, टेलरिंग में कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। स्टिचिंग करने के लिए मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए। सिंगल स्टिच मशीन्स में टू टाइप्स रहते हैं, एक इंडस्ट्रियल मशीन, दूसरा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में भी टू टाइप्स रहेंगे। ये जो मशीन है ये डोमेस्टिक मशीन है, इसमें डबल स्टिच ऑपरेट नहीं कर सकते, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग लेवल में इसमें डबल स्टिच नहीं रहेगा, और एक इससे बढ़कर और एक मशीन रहती, उसमें डबल स्टिच रहती। इसको कैसे ऑपरेट करें अब देखेंगे अपन। ये बॉबिन है मशीन का, ये बॉबिन केस है। इसमें बॉबिन को यूँ लगाकर इसमें से ऐसे निकालना है, इसको बॉबिन को यूँ निकाल कर इसमें ऐसा लगाना है। इसमें लगाने पर साउंड आती है। कभी भी अपन बॉबिन लगाते इस टाइम पे नीडल ऊपर रहना है, नीचे नहीं रहना कभी भी। ये लगाना, साउंड आ जाती है। अगर करेक्ट फिक्स हो गया तो साउंड आ जाती है। थ्रेड को यूँ लगाकर इसमें से इसमें से निकालना है, फिर इसमें से निकालना है, फिर यहाँ पर अब नीडल में थ्रेड चढ़ाना है। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू है इस स्टिच लेंथ ऑपरेटिंग करने का है। इसमें जो स्क्रू है इसका लूज करने से ये उधर इधर हिलेगा, इसको ऊपर करने से स्टिच का लेंथ बढ़ जाएगा, और बीच में करने से स्टिच का लेंथ छोटा हो जाएगा। इसमें ऊपर ऊपर पूरा ऊपर करने से स्टिच का लेंथ मतलब लूज स्टिच आएगा, और नीचे करने से नॉर्मल स्टिच रहेगा। पर स्टिचिंग करने के लिए इसमें बीच में तक लगाकर, पूरा ऊपर नहीं पूरा नीचे नहीं, बीच में लगाकर इसको स्टिच करना है, तो एग्जैक्ट स्टिच लेंथ आएगा। स्टिच करके देखेंगे अपन। फुट का पेडल कैसे ऑपरेट करें बताऊंगी अब मैं। इलेक्ट्रिक फुट पेडल ऑपरेट करें, नॉर्मल अपन विदाउट इलेक्ट्रिक फुट पेडल भी अपन यूज़ कर सकते हैं मशीन को। अगर आप इलेक्ट्रिक फुट पेडल यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फुट पेडल ऐसा रहेगा, ये छोटे मशीन को ऐसा रहेगा, और बड़े मशीन को वो अलग थोड़ा अलग रहेगा। इसको अपन इस पर लेग लगा कर ये पाँव से यूज़ करते हैं, अपने फुट से यूज़ करते हैं। मैं आपको क्लैरिटी के लिए हाथ से बता रही हूँ। इस पर ऐसा अपना फुट लगाकर नॉर्मली वन स्टिच के लिए थोड़ा थोड़ा ऑपरेट करने के लिए ऐसे पाँव लगाकर निकाल देना है, जस्ट लगाकर निकाल देना है। कंटिन्यू नहीं लगाना, स्पीड ज़्यादा आ जाएगा कंटिन्यू लगा रहे तो। आप इसका ऑपरेटिंग समझ में आ गया तो कंटिन्यू लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट लेग लगा कर निकाल देना। थोड़ा थोड़ा ऑपरेटिंग भी कर सकते हैं। इसको वन डे पूरा प्रैक्टिस करने पर आपको क्लैरिटी हो जाती है, इसका ऑपरेटिंग कंट्रोलिंग समझ में आ जाता। अब इसको फुट से कैसे यूज़ करें, अपने पाँव लगाकर कैसे यूज़ करें जाए बताऊँगी। लग लिया थोड़ा थोड़ा, बिना से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना जस्ट हमारे स्टिच के लिए। अगर इसमें परफेक्ट हो गया तो 1-2 डेज में थोड़ा परफेक्ट होगा ऐसे। ये मशीन में डबल स्टिच नहीं आता, डबल स्टिच आने के लिए एक्चुअली नॉर्मल थोड़ा बड़े मशीन को डबल स्टिच यहाँ पर आ जाता, इसको 2 बार प्रेस करने से डबल स्टिच आ जाता, मगर इसको डबल स्टिच नहीं आता। इसको स्क्रू से ऑपरेटिंग कर सकते हैं, मगर इससे स्टिच का लेंथ में डिफरेंस आ जाता। सो यहाँ फुट है ना, फुट का यहाँ ऑपरेटिंग इसको क्या बोलते हैं, ये फुट कंट्रोलर है, इससे फुट उड़ता है। फुट है ना, फुट जो उड़ता है और बैठता है,
इससे डबल स्टिच भी अपन कर सकते हैं। तो फोटो उठाकर नॉर्मल अपन स्टिच करते वक्त इसको फिर बाहर फिर आगे पीछे करना, इसे करने में डबल स्टिच आएगा आगे पीछे, कपड़ा को भी हटा सकते हैं और अपन ने इसको आगे पीछे करना। ऐसे डबल स्टिच आ जाता है, ये डबल स्टिच इंपॉर्टेंट है अपन स्टिचिंग में, स्टार्टिंग और एंडिंग हर सीवन के लिए डबल स्टिच रहना है कंपलसरी, ऐसा डबल स्टिच रहेगा। अब ऑयलिंग कैसा करें, ऑयलिंग पहले फुट में, यहाँ फुट में ये डार्क फुट है ना, डार्क फुट के अंदर नीचे बॉबिन के सेटल उसमें भी डालना है इसमें, और यहाँ पर ये ऊपर थ्री प्लेसेस थ्री होल्स में, और यहाँ पर और इसमें और इसमें ये हटाकर या इसके जॉइंट्स ये है ना इसके अंदर, ये अच्छे से ऑयलिंग करने से रेगुलर ऑयलिंग से मशीन खराब नहीं होता, अच्छा इजीली चलता रहेगा। और कभी कभार इसमें भी डालते रहना है, इसमें स्टिच अपने थ्रेड इजीली मूव होने के लिए इसमें भी डालते रहते, थ्रेड अपना इजीली मूव होता रहता, स्टक नहीं होता।